गुड मॉर्निंग पंजाब, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडे नाल मैं अमृता करक। बुलेटिन दा आगाज़ करांगे ते सब तो पहला गल करांगे पंजाब ते मंडरा रहे वड्डे खतरे दी जो कि कोरोना दे रूप च मंडरा रहा है। कोरोना वायरस दी तीजी लहर सरकार ते प्रशासन नूं लगातार भाजना पा रही है, लोकां दीआं वी चिंतावां वधा रही है। रोजाना आंकड़िया दा रिकॉर्ड टुट रहा है। रोजाना आंकड़ा जे बीते 24 घंटिया की गल की जाए 3000 पार कर चुके हैं। इस दे विच 3176 नवे केस सामने आए ने ते नाल ही मौतां दे आंकड़े की गल की जाए तो 59 मरीजों की मौत हो गई है। बहरहाल सूबे दे विच हुण तक दे आंकड़े जो ने 2,26,059 ने, जबकि एक्टिव मरीज मौजूदा 22,000 तो पार। फिलहाल सूबे च मौत का आंकड़ा 6,576 हो चुके है। इत्थे जिक्र योग है कि कुछ दिन पहला स्टेट नोडल अफसर ने इस गल का खर्चा जाहिर किया कि मार्च महीने के अंत तक सूबे च कोरोना होर खतरनाक हो जाएगा ते शायद आंकड़े उसे वाल इशारा कर रहे हैं। बाकी बीते 24 घंटिया दे विच किहड़े जिले च किन्ने केस सामने आए ने वह जरूर इस टैली राही तुसीं समझ सकते हो। तुहानूं दस दईए आंकड़े देख के ही साफ हुंदा है कि सैकड़िया दे विच केस ने, 400 तो उपर 300 तो उपर केसेस कई जिलों के विच ने। इस तो अलावा होरना जिलों के विच भी स्थिति कोई बहुत ही सुखद नहीं है। आंकड़े हर पासे बरकरार ने, भावें घट होण भावें ज़्यादा, पर हर जिले के विच नवे केस सामने जरूर आ रहे हैं जो आने वाले दिनों के विच प्रशासन नूं होर सख्ती करन ते भी मजबूर कर सकते हैं। इस दे विच कोई शक नहीं है। आपो अपने पद्धर ते सूबा सरकारां कई फैसले लै रहियां ने। राजस्थान सरकार ने भी कोरोना नूं लैके नवा फैसला लैंदिया होया सूबे च दाखल होण दे लई कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट लाजमी कर दित्ती है ते ओह वी 72 घंटियां पहलां दी होणी चाहीदी है। राजस्थान दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस संबंधी जानकारी दित्ती है। फैसले दा श्रद्धालुआं ते यात्रियां दे विच फिलहाल विरोध हो रहा है। जो धार्मिक स्थल ने उन्हां दी मानता नूं घटाया ना जाए, उन्हां नूं वधाउण वास्ते उस दे लई नियम जो है वह सौखे नियम, जिस तरह कोविड का टैसट करवा के आने की बेनती की जाती है, पर कभी यह आदेश नहीं सानूं सुनने नूं मिले कि जे किसी ने किसी धर्म स्थान पर जाना है तो उसका जो टैसट है वह पहल के आधार पर होगा। फैसला वो सही नहीं गया जिधर कि साढ़े भैन भरा श्रद्धालु जिहड़े ने वह धार्मिक स्थान पर जाते हैं राजस्थान के। राजस्थान सरकार ने अज ये गल कही है कि जी कोरोना की रिपोर्ट वो श्रद्धालु को होनी चाहिए है, जो कि किसी भी स्टेट तो आता पंजाब या हरियाणा तो या होर भी किसी स्टेट तो आता तो उनकी रिपोर्ट जी नैगेटिव की होनी चाहिए है। लेकिन गल यह भी जोड़े श्रद्धालु उत्थे जाएंगे साढ़े भैन भरा वो खीरले लास्ट यानी कि हफ्ते के लास्ट दिन कोई प्रोग्राम बनता उन्होंने भी उत्थे यात्रा करन जाना है, तो उन्होंने दिनों में ना तो कोई हॉस्पिटल खुला होंगे तो ना कोई लैबोरेटरी वगैरह खुली। और धार्मिक स्थानों पर जो कोविड की शर्तों के साथ प्रवेश दिया है ये बहुत ही अभाग्यपूर्ण बात है। सो कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ रहे ने, पंजाब सरकार भी लगातार सख्ती कर रही है ते अज दा दिन इसलिए भी खास है क्योंकि अपनी जान गवा चुके लोगों नूं याद करदिया होया अज सूबे दे विच 1 घंटे दे लई आवाजाई बंद की जाएगी, मौन रखा जाएगा। 11 तो 12 बजे तक का यह समा होएगा ते 1 घंटे का मौन रख के इन तमाम लोगों नूं श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, उन्हां नूं याद किया जाएगा। लंघे शुक्रवार नूं भी सूबे दे विच कोरोना दे जे मरीजां दी गल की जाए तो 3,000 पार हो चुके। अगे वधांगे तेरे कुछ होर अहम खबरां दा कर लैणे गल मुख्तार अंसारी दी करांगे, जिस मामले च सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं फटकार लगांदे यूपी सरकार दे हक च फैसला सुना दित्ता है। पंजाब दी जेल च बंद मुख्तार अंसारी नूं फौरन वापस भेजण लई कहा गया ते 2 हफ्तियां दा समां दित्ता गया सरकारां नूं यूपी दे विच उस नूं शिफ्ट करन दे लई। सुप्रीम कोर्ट वल्लों पंजाब सरकार दीआं दलीलां नूं खारिज कर दित्ता गया, जाहिर है ते हुण यूपी दे हक दे विच फैसला सामने आया, यूपी दे इलाहाबाद या फिर बांदा जेल दे विच उसनूं रख्या जाएगा। यह पूरा मामला तुहानूं ग्राफिक जरिए भी समझा दें, रूपनगर की जेल दे विच बंद है फिलहाल मुख्तार अंसारी, जिसते आईपीसी की धारा 386 तहत मामला दर्ज किया गया। रंगदारी मामले दे विच रूपनगर जेल दे विच उह बंद है
ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ यूपी ते पंजाब सरकार विचाले कानूनन जंग लगातार चल रही सी। अंसारी नू यूपी शिफ्ट करन नू लेके विवाद चल रहा सी। अंसारी दे खिलाफ यूपी दे विच भी कई गंभीर मामले दर्ज ने। जानकारी यह भी है कि यूपी दे विच दर्ज मामलों के चलदियां शिफ्ट करन दी मंग उठ रही सी। रंगदारी मामले दे विच आईपीसी 386 तहत तो जेल च बंद है रियल एस्टेट कंपनी दे सीईओ नू धमकी देण दा पूरा मामला है, जिस तहत मोहाली SSP नू भी शिकायत की गई सी। ये भी जानकारी मिली है। तो अंसारी ने धमकी दे के 10 करोड़ रुपए की मंग की सी। मामले दे विच अंसारी के खिलाफ परचा दर्ज किया जा चुका सी। सो मुख्तार अंसारी नू लैके खिचोतान लगातार बरकरार नजर आई दोवां सूबियां दीयां सरकारां दे विच। पर फिलहाल जो फैसला है जाहिर है कि यूपी सरकार के हक के आ गए। तो विरोधियों वालों मुख्तार अंसारी मामले ते पंजाब सरकार ते लगातार निशाने फिरने जा रहे हैं। तो विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा ने इस मामले दे विच की कहा वह भी सुन लें। तो किस तरह उन्होंने सियासी शह के इल्जाम लगाए ने वह भी दसद तुहानू। इस गैंगस्टर नूं जिहड़ा हैगा बगैर किसी कारण के पंजाब रखा गया ताकि जिहड़ियां आने वाली इलैक्शन आ जिहड़ियां आने चोणां नेगियां जदों वोटां पैणगियां 2022 दे विच उस समय इस गैंगस्टर नूं जिहड़ा हैगा अपने सियासी विरोधियों के किवें इस्तेमाल करना गा किवें वरतना गा और उस गल का अज एक्सपोज होया गा। तो मैं समझदा हुण जांच होनी चाहिए आ पंजाब सरकार की कैप्टन साहब की जांच होनी चाहिए आ क्योंकि होम मिनिस्टर ने गे पंजाब के जेल मिनिस्टर रंधावा साहब ने उन्होंने जांच होनी चाहिए आ कि उन्होंने इस गैंगस्टर का की संबंध ने इस माड़े अंसर का की संबंध ने इस समाज विरोधी अंसर का की संबंध ने क्योंकि पंजाब का माहौल खराब करने के लिए पंजाब का इलैक्शन के माहौल खराब करने के लिए कैप्टन साहब ने उन्होंने कलीग रंधावा साहब ने इस गैंगस्टर को बिना वजह बगैर किसी कारण के मैं समझदा पंजाब की जेल च रखा गया। इसकी CBI तो जांच होनी चाहिए आ इसकी देश की सर्वोच्च एजेंसी तो जांच होनी चाहिए आ ताकि पंजाब के लोगों को पता लगे कि पंजाब का मुख्यमंत्री की कर रहा है। स्पष्ट संकेत गया कि एक अपराधी नू बचाउण वास्ते पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जिहड़ी है किस हद तक गई है कि यूपी सरकार नू सुप्रीम कोर्ट तो जाके आर्डर कराने गए कि इस अपराधी नू साडे हवाले किया जाए ता जो इहदे पापां दी सजा जिहड़ी है असी दवा सकीए। मैं महसूस करदा कि जे सूबे दी या सरकारां दी इस तरह की कोऑपरेशन रही तो ये आने वाले समय के क्राइम जोड़ा होर वधेगा। इसलिए जरूरी है कि उन्होंने तत्थों की भी जांच हो किन्ने किन्ने कोशिश की है कि इस अपराधी सजा ना मिले यूपी ना जा सके कि रोल है। यह तो गल आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल की हो गई। भाजपा के कौमी जनरल सकत्तर तरुण चुग ने मुख्तार अंसारी के मामले ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। गांधी परिवार के निर्देशों ते किस तरह कैप्टन सरकार ने कानून दी धज्जियां उड़ाईयां इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया तो भी सुनवाने। पंजाब सरकार दी दलीलां पंजाब सरकार दे जिहड़े सोनिया गांधी और प्रियंका वडेरा गांधी नूं खुश करन दे जिहड़े प्लान सी अज असफल होए और न्याय की जित हुई है। मुख्यमंत्री साहब एक गैंगस्टर जिन्हें पंजाब च अपहरण की कोशिश की और ते परचा रजिस्टर्ड है 2 साल तो चार्जशीट पेश नहीं हुई बहुत दुखद है। लेकिन अज का फैसला जिन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नूं सच दा आईना दिखाया। जाहिर है कि सवाल उठ रहे सी ता जवाब आना सी ता इसे फैसले ते बोले ने कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा जिन्हां ने कहा कि पंजाब सरकार दी मंशा मुख्तार अंसारी नूं लैके हमेशा ही साफ रही है। उन्होंने कहा कि जे अदालत एक दिन का भी समा दिंदी तां उसनूं पंजाब ना रख्या जांदा उसनूं यूपी भेज दिता जांदा इसलिए 2 हफ्तिया की भी जरूरत नहीं सी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जेल प्रशासन जरूर मनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का ज्यादा टाइम दिया अगर एक दिन का भी देते तो हम उसी दिन इसको रिहा कर देते। होम डिपार्टमेंट का काम है होम डिपार्टमेंट पुलिस का कोई केस था तो कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड देकर उसने भेज दिया जेल में। जेल डिपार्टमेंट ना किसी को अंदर रख सकता है ना किसी को बाहर ले जा सकता है।
विरोधियों ते परमिंदर पिंकी ने भी इस मामले नूं लैके पलटवार कीता, कहा कि अकाली दल दसे कि पंजाब च गैंगस्टरवाद लैके कौन आया। हरपाल चीमा की सीबीआई जांच की मंग ते भी परमिंदर पिंकी बोले कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए है। ਵਕਤ ਐਮਐਲਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰੱਖੋ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਨੇ, ਆਰੋਪੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਜ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਛਾਨੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਨ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ 176 ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SC/ST ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SP ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਯੁਵਰਾਜ ਤੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SP ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ DGM ਹੋਮਜ਼ ਦੀ MD ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚੀ MD ਦੀ ਜਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
उधर मोगा का एक परिवार है जो रातों रात करोड़पति बन गया। एक करोड़ रुपए की लॉटरी निकलन तो बाद परिवार दे विच खुशी का माहौल है ते खुशी सांभे नहीं सांभी जा रही। खास गल यह है कि पूरा परिवार कबाड़ का काम करता है। जाते जाते एक रिपोर्ट राही पूरी कहानी दसदे आ। सुपने सच हुंदे दिखन तां खुशी आप मुहारे फुटदी है। ए ओ जियाई होया बागा पुराणा दी आशा राणी दे परिवार दे नाल। आशा राणी दा परिवार रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल पंजाब स्टेट डियर 100 मासिक लॉटरी दा आशा कुमारी ने 1 करोड़ रुपए दा पहला इनाम जीतिया। आशा कुमारी दे पति दी कबाड़ दी दुकान है ते दोवें मुंडे उसे दुकान ते काम करदे ने। लॉटरी जीतन ते परिवार दे विच खुशी दा माहौल है और परिवार दा कहना है कि इह सुपने सच होण दे वांग है ते इन्हां पैसियां नूं लोड़ेंदे थां ते लोंगे। ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਭਾ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗੇ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।